डीमन स्लेयर की लेटेस्ट एकदम ताजी करारे पिक्चर थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। नाम है उसका किमित्सु नो याइबा टू द हाशिरा ट्रेनिंग। ये बेसिकली किसी को बुरी लत लग जाती है ना, वैसे ही इसके मेकर्स को लग चुकी है पिछले साल की तरह। इस साल में पिक्चर निकाल दी जिसमें लास्ट एपिसोड ऑफ स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क सीजन 3 एपिसोड 11 52 मिनट का रन टाइम था, जिसके एंड में नेजुको बोलने लगती है। वहां से वो लेते हैं अगले महीने जो उसका नया सीजन चालू होने वाला है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि 40 मिनट का था। ले देख के दोनों को मिक्स किया, बन गई पिक्चर तैयार। इससे क्या होता है, इससे काफी वियर्ड स्ट्रक्चर वाली पिक्चर देखने मिलती है जिसका क्लाइमैक्स तुम पहले देख रहे हो। और एनीमे के अंदर एक बड़ी फाइट होने के बाद जो एक स्लोनेस आती है अगले एपिसोड्स में, स्टोरी धीरे धीरे फिर से बिल्ड करना चालू करते हैं, वो अपन इस पिक्चर के एंड में देख रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि डेमन स्लेयर का वो स्टोरी वाला एस्पेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, जिसके कारण ये लेटेस्ट मूवी जब खत्म होगी तुम थिएटर से निकलोगे तो काफी एक वियर्ड वाली फीलिंग अंदर होगी। शुरुआत में काफी एक्साइटेड थे, चिल्ला रहे थे, एक्शन हो रहा था, साउंड और फ्रेम्स को अप्रिशिएट करके मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा था कि हाँ ये पिक्चर थिएटर में देखने आया, वर्थ इट। इंटरवल के बाद वही अगर चीजें उल्टी होती तो कितना मजा आता, लेकिन लॉजिकली कोई पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये पिक्चर बनाने की जरूरत क्यों, पैसा। लेकिन एक्चुअल में कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स हम लोग देख जरूर सकते हैं। पिक्चर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी को काट के एपिसोड में डाल दिया, तो ओवरऑल एनिमे की जो क्वालिटी है इवन इन रेगुलर बात करने वाले सीन्स में भी शो को बेनिफिट मिल सकता है ऑफ द एडिशनल रिसोर्सेज और टाइम। अगला बेनिफिट हम जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को कि इस मूवी टाइम पे रिलीज किया। नेक्स्ट सीजन आने में 1 महीना 2 हफ्ते बाकी है, इनफैक्ट यूएस से भी 1 दिन पहले अपने को देखने मिला। लेकिन क्या देखना चाहिए उसका आंसर दूंगा, उससे पहले यू शुड नो कि न्यू सीन्स जो इस पिक्चर में दिखाए हैं वो क्या है। सेम चीज सीजन नंबर 4 अप्रैल में वीकली एपिसोड्स चालू होंगे, उसमें भी दिखेगा, जिसमें हाशिराज खुद भी ट्रेन होंगे, बाकियों को भी ट्रेन कराएंगे टू फेस द बिगेस्ट थ्रेट येट। विंड और स्नेक हाशिरा का एक छोटा सा बैटल सीक्वेंस डाला है। अपर मून 4 को हराने के बाद तांजिरो रिकवर कर रहा है। ज़ेनित्सु और इनोस्के से वापस रीयूनियन, ये बंदे का जोर जोर से चिल्लाना और अनोइंग होना, आई मिस्ड इट। हाशिराज की मीटिंग होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स रिवील करते हैं। नेजुको धूप 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 करके ताकत ले सकती है, तो उसके कारण नेक्स्ट बड़ा इवेंट जो कि मुजान का 1000 साल से गोल था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पूरी पिक्चर देखने में मजा आया मुझे, क्योंकि जिस लेवल की क्वालिटी ये एनिमे दिखाती है, इसका एनिमेशन, इसके एक्शन सीक्वेंसेस, वॉइस एक्टिंग, साउंड डिजाइन, वो थिएटर में एक्सपीरियंस करना वर्थ इट। सबटाइटल रीड करने थोड़े मुश्किल थे, बट एटलीस्ट थे इस बार, पिछली बार बड़ा पंगा हो गया था। दो हाशिरा के नाम मैंने बताया, विंड और स्नेक, उनकी पावर्स हम पहली बार देखते हैं और उसके विजुअल इफेक्ट्स काफी कमाल। दो ही कंप्लेंट्स है कि काश प्रॉपर मूवी की तरह दिखाते एक स्ट्रक्चर के साथ। बादल, उससे क्या होगा, म्यूगन ट्रेन होगा, नो वंडर दैट मूवी अर्न सो मच मनी। लेकिन जो मैं वियर्डनेस की बात करूं ना, वो इस मूवी को सैंक्शन करने के भी पीछे आता है, क्योंकि इसी म्यूगन ट्रेन के 13 चैप्टर्स थे। मांगा में 13 चैप्टर्स वाला वो आर्क है जिसपे पिक्चर बनाई, बहुत बढ़िया। हाशिरा ट्रेनिंग में सिर्फ 9 है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा तुम 5-6 एपिसोड बना लोगे, 2 ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया, तो आने वाला सीजन 4 इतना छोटा होगा क्या? मे बी उसके आगे जो आर्क है इन्फिनिटी कासल 47 चैप्टर्स वाला, उसमें से कुछ ऐड करके 10-12 एपिसोड का बनाएंगे। ऐसा ही करना था तो ये हाशिरा ट्रेनिंग को ही क्यों एक प्रॉपर मूवी नहीं बनाया? बड़ा सा बैटल अगर इसमें नहीं है तो इन्फिनिटी कासल से थोड़ा ले लेते। वाय दादा वाय, मे बी मैंने मांगा रीड नहीं करी इसलिए आई डोंट नो, गधे की तरह क्वेश्चन पूछे जा रहा। लेकिन मेरे को एक चीज जरूर पता है, ये पिक्चर मैंने इसको देखा है, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम इसको थिएटर में तभी देखो जब तुमको स्वॉर्डस्मिथ विलेज का फाइनल बैटल थिएटर में देखने का मन हो, तो उसका भी लास्ट वाला एपिसोड मिसूरी की फाइट ही नहीं दिखाई, बताओ पैसा बर्बाद। न्यू कंटेंट, नया एपिसोड डाला है, अगर उसके लिए देखने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर की मूवी में ये स्टोरी वाला पार्ट सेकंड हाफ में कुछ सब्सटेंशियल चीजें थी। इन्फिनिटी कासल का इंट्रोडक्शन, अपर मून्स दिखा दिए पूरे, इसमें वो पार्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि जेब से पैसा देके थिएटर में जाओ, 6 हफ्ते रुकना है बस। तब तक सब्सक्राइब करो और चैनल की एक और वीडियो देखो।